दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नाग्यास लर्निंग। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तो डन होता है ये प्रोग्राम और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसकी? आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंस की। और टेंस में हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? टेंस में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट के आज हम तीन टेंस पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, वैसे तो इसकी खास कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, फिर भी कुछ एक बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, उन तो मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें तीन टाइप की वर्ब आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है इस, एक आती है एम और एक आती है आर। तीन टाइप की वर्ब आती है, जिसमें इज आता है ही के साथ, शी के साथ, या इट के साथ, या नेम के साथ, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर के साथ इसका यूज होता है, नाउन प्रोनाउन जो भी हो। एम का यूज जो होता है वो आई के साथ होता है, आर का यूज जो होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। तो तीन टाइप के वर्ब हैं, इस और उसके बाद एम और उसके बाद आर। इन तीन टाइप की वर्ब के साथ सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ये, इनके साथ होता है आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं इनके साथ आर का यूज होता है। जैसे कि अपन एक सेंटेंस की बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस की बात करें तो अपना क्वेश्चन इस तरह से है। जैसे अपन कहते हैं ही इज रीडिंग ए बुक, तो ये एक सिंपल से शुरुआत कर रहा हूं मैं आपको, इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी टेंस से परिचित नहीं हो, आपको बिल्कुल भी टेंस नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये चीजें भी सीखनी चाहिए। जैसे ही है, ही के साथ इज आ गया, और इज एम आर, इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब जो होती है वो कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब आती है। तो इज हो चाहे एम हो चाहे आर हो, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसलिए हमने देखो ही के साथ तो इज लगाया, और इज के साथ क्या लगाया? रीड, और रीड के साथ आईएनजी, ही इज रीडिंग ए बुक। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता तो फिर हम लगाते एम, आई एम रीडिंग ए बुक, तब ये सेंटेंस ऐसे होता, आई एम रीडिंग ए बुक। और अगर यू होता तो इसके साथ आता आर, जैसे यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, तब अपन इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना लेते। तो दोस्तों ये तो हुई बेसिक बात, ये सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से थी। इतनी बेसिक बात जो है एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होता है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर मैं बात करूंगा यूज की, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां होता है। देखिए दोस्तों, अगर एक वर्ड पर हम चले, वर्ड है टेस्ट, वर्ड है टेस्ट, और टेस्ट का अर्थ होता है चखना, या टेस्ट का अर्थ होता है स्वाद। अब इसके साथ कभी कभी आईएनजी का यूज किया जाता है और कभी कभी इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। मतलब कभी तो टेस्ट का टेस्टिंग करते हैं, कभी टेस्ट का टेस्टिंग नहीं करते हैं। अब टेस्ट को टेस्टिंग कब करेंगे? जब कोई विशेष उद्देश्य दिया गया हो। सेंटेंस में क्या दिया गया हो? कोई विशेष उद्देश्य। अगर सेंटेंस में कोई विशेष उद्देश्य होगा तो हम टेस्ट को टेस्टिंग करेंगे, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होगा। अगर कोई विशेष उद्देश्य नहीं है तो टेस्ट को टेस्टिंग नहीं करेंगे, विशेष उद्देश्य नहीं है तो। अगर सेंटेंस में विशेष उद्देश्य नहीं है तो आप टेस्ट को टेस्टिंग नहीं लिख सकते। जैसे कि अपन एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे?
मान लो कि अपने पास ये क्वेश्चन है, मैं ऐसे बोलता हूं कि आई एम टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग टी, आई एम टेस्टिंग टी, तो ये एक गलत सेंटेंस है। आई एम टेस्टिंग टी नहीं हो सकता, आई के साथ यहां पर ना तो एम आएगा ना टेस्टिंग आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम टेस्ट का टेस्टिंग नहीं कर सकते और टेस्टिंग का टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो एम भी नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, ये चाय को चेक कर रहा है, ये चाय को चख रहा है, लेकिन चखने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं बता रहा है, इसलिए टेस्ट का टेस्टिंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ये सेंटेंस ऐसे यूज होगा, आई टेस्ट और फिर ये टी, आई टेस्ट टी, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन टेस्ट का टेस्टिंग कब करेंगे? जब कोई विशेष उद्देश्य, ये रहा, टेस्ट का टेस्टिंग कब करेंगे? जब कोई विशेष उद्देश्य दिया गया हो। विशेष उद्देश्य कैसे दिया गया होगा? जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूं कि आई एम टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग टी, मैं चाय को चख रहा हूं। क्यों चख रहा हूं? टू नो दैट इफ इट नीड्स मोर शुगर, मोर शुगर, मैं चाय को चख रहा हूं यह जानने के लिए कहीं इसमें और चीनी की जरूरत तो नहीं। अब देखो दोस्तों, यहां पर टेस्ट का टेस्टिंग किया जा सकता है और ये सेंटेंस करेक्ट भी है। अब करेक्ट क्यों है? क्योंकि टेस्ट करने का यहां पर कारण दिया है कि ये जानना चाहता है कि और चीनी की जरूरत तो नहीं। तो टेस्ट का टेस्टिंग होता कब है? टेस्ट का टेस्टिंग तब होता है जब कोई विशेष उद्देश्य जोड़ा गया हो। तो यहां पर कोई विशेष उद्देश्य जोड़ा है, टेस्ट करने का उद्देश्य दिया गया है, इसलिए टेस्ट का टेस्टिंग हो सकता है। टेस्ट का टेस्टिंग हो कब नहीं सकता? जब कोई विशेष उद्देश्य ना हो। तो टेस्ट को टेस्टिंग कब नहीं करेंगे? जब इसमें सेंटेंस में कोई विशेष उद्देश्य ना दिया गया हो। अगर कोई विशेष उद्देश्य दिया गया हो तभी टेस्ट को टेस्टिंग कर सकते हो, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज कर सकते हो। एक वर्ड तो ये याद रखें आप एलडीसी परीक्षा के लिए, एक आप वर्ड और याद रखेंगे, और दूसरा वर्ड है फियर। कौन सा वर्ड है? फियर, फियर, फियर नहीं, सॉरी, आप यहां पर फील, वर्ड कौन सा याद रखेंगे? फील। कौन सा वर्ड है यहां पर दोस्तों? वर्ड है हमारा फील, FEELL। अब ये जो फील है ना, इसके साथ भी कभी तो आईएनजी आता है और कभी आईएनजी इसके साथ नहीं आता है। लेकिन कब आता है और कब नहीं आता है? अगर फील का अर्थ छूना है, फील के दो अर्थ होते हैं, अगर इसका अर्थ छूना है जब तो आईएनजी आएगा, और अगर फील का अर्थ महसूस करना है, अगर इसका अर्थ महसूस करना है तब आप फील के साथ फीलिंग का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल से इस बात को समझने की करते हैं कोशिश। मान लो कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कि आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुशी महसूस कर रहा हूं। तो यहां दोस्तों फील का फीलिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर फील का अर्थ छूना नहीं है। फील का अर्थ यहां पर क्या आ रहा है? फील का अर्थ आ रहा है यहां पर महसूस करना, और महसूस करना एक इमोशन है। पिछले टेंस में हमने पढ़ा था जब बात इमोशन की होगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बताएगा उसको, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट डोमेसियस होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आई फील हैप्पी। ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, आई एम फीलिंग हैप्पी नहीं होगा, ये करेक्ट सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। लेकिन दोस्तों फील का फीलिंग होगा कब? फील का फीलिंग तब होगा जब इसका अर्थ होता है महसूस, सॉरी, छूना, छूना इसका अर्थ होगा, तब आप फील का फीलिंग कर सकते हो। जैसे ये सेंटेंस है, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, ये सेंटेंस है ना, इसमें फील का फीलिंग करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पल्स क्या होती है? ये नाड़ी होती है हाथ की, तो डॉक्टर इज फीलिंग माय पल्स, इसका मतलब डॉक्टर हाथ को छुएगा तभी तो उसको फील करेगा, महसूस करेगा, छुएगा। तो यहां पर फील का अर्थ जो है वो छूना आ रहा है, और फील का अर्थ जब छूना होता है तभी आप उसके साथ आईएनजी का यूज कर सकते हो। फील का अर्थ अगर महसूस करना है तो आप उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो ये एक स्पेशल यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए।
पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था, इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है। अगले वीडियो में फिर हम एक और टेंस को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।